है सीसी, अगर तुम चुपचाप मेरा पीछा कर रहे हो तो मुझे कहना पड़ेगा कि तुम फेल हो गए हो। क्या कहते हो, थोड़ी मस्ती हो जाए बोपी? पीछा नहीं छूट रहा, मुझे लगता है ये लातों का भूत है, ये बातों से नहीं मानने वाला। क्यों, मैंने सही कहा ना? एक छोटी सी सलाह देता हूँ सीसी, अगली बार ब्लैक मेरा पीछा करने को कहे तो ज्यादा लोग लेकर आना। कुछ और लोगों को भेजना चाहिए, मैं अकेला नहीं आया हूँ। ये कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं है, है ना बॉबी? बॉबी? क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर ब्लैक, हमने इलाई शेन को घेर लिया है, आप बस ऑर्डर दीजिए, इसे अभी खत्म कर देता हूँ। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत बोलो, वो और उसका इन्फर्नल स्लग बहुत खतरनाक है। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, उसका स्लग बीमार है। उसका स्लग बीमार है? हाँ, वो तो फ्लॉपर का सामना भी नहीं कर पाया। तो बताइए इसका क्या करूँ? उसे जाने दो। क्या? ट्रैकर गूल उस पर मारो और उसे जाने दो। पर हमने उसे पकड़ लिया है, आप ये किस्सा खत्म कर सकते हैं। जैसा कहता हूँ वैसा करो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पर मैं इसे बिना कुछ किए यहाँ से जाने नहीं दे सकता। हमें बोपी को घर ले जाना होगा और जल्दी। स्क्रैपनेल, तीन बोलते ही काम करो। एक, दो, तीन। भाग के कहाँ जा रहे हो? लगता है बच गया, वो गूल बेकार था वरना हम जिंदा नहीं बचते। उम्मीद है वो काम करेगा। अच्छा काम किया, चलो चलकर लज्जतदार और बेहतरीन खाना खा लेते हैं मेरी तरफ से। सच में फिर से? मैं सीढ़ी ले आता हूँ। मुझे पता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, पर चुहा नहीं कर सकते मैक्स जैक्सन। मुझे तो एक अच्छी सी पिक्चर देखने की थी, लेकिन इन्होंने वो सड़ी गली पिक्चर फिर से लगा दी। वो सड़ी गली पिक्चर नहीं थी, समझे तुम? मैंने बस थोड़ा सा इन पे चिल्लाया पर इन्होंने मुझे 2,540। ये लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते जी। तो आ गए तुम। बोपी को कुछ हो गया है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, उसने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने आज तक किसी स्लग को इस हालत में नहीं देखा, इनकी ताकत कम होते देखी है पर इतना बीमार कभी किसी को नहीं देखा। बेचारा बर्पी, वो हिल भी नहीं पा रहा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बर्पी, तुम्हें ठीक करने का कोई तो रास्ता होगा। अगर कोई है भी तो किसी ट्रोल इंसान या मेलेनॉइड को भी नहीं पता है जी। ये किसी मूवी का डायलॉग है क्या? मैं हार नहीं मानूंगा, बोपी को हमारी मदद चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं इलाय, पर इसका इलाज हम में से किसी को नहीं पता। इन्हें पता है। घबराओ मत बोपी, हौसला रखो,
हम जल्दी वहाँ पहुँचेंगे। रोशनी कम हो रही है। डरावना लग रहा है, मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। मियाँ डर तो लगेगा ना, क्योंकि हम आए हैं शैडो क्लैन के इलाके में। इस तरफ चलो। बोपी को इसके अंदर जाना है, पर मैं उसमें घुस नहीं पाऊंगा। अंदर जाने का कोई दूसरा दरवाजा होगा। पर हम उसे ढूंढे कैसे? उनसे पूछते हैं, ये आखिर उनका इलाका है, उन्हें इसके बारे में जरूर पता होगा। जरूरत पड़ने पर वो सामने नहीं आते। वैसे भी कौन उनसे मिलना चाहता है जी? वो हमसे कितने सीरियस रहते हैं, डरावने। लगता है जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया है। प्रॉन्टो उनसे नहीं डरता। कुछ मत करो कॉर्ड, मैं संभाल लूंगा। जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसकी अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया नहीं रहेगा। अब समझ आया कि लाइटवेल वो क्या है? लाइटवेल बहुत मशहूर है जी। कुछ लोग कहते हैं वो है, और कुछ लोग उसे बिल्कुल नहीं मानते। मतलब ये कि स्लग्स वहाँ जाते हैं रिचार्ज होने के लिए। मैं बॉबी को ले जा सकता हूँ, अगर तुम मुझे रास्ता बताओ तो। मैं ये खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाऊँगा। हम तुम्हारे साथ हैं इलाई। मियाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने अभी अभी मेरी बेइज्जती की है? उसने कहा कि सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। इलाई नहीं, तुम अकेले अंदर नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, अगर इससे बोपी की जान बचती है तो मैं ये जरूर करूँगा। वैसे भी मैं अकेला नहीं रहूँगा, ये भी तो मेरे साथ होंगे। तुम सब आगे चलो। अच्छा, वो जा सकते हैं और हम नहीं है? डॉक्टर ब्लैक, ट्रैकर बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, चलो फिर से कोशिश करते हैं। बच गया, एक एक करके जाना होगा। ठीक है दोस्तों, दिखाओ अपना कमाल। उसने सुरक्षा कवच पहना है। ठीक है, कुछ और सोचना होगा। जानता हूँ डबल बैरल से उसे रोक सकते हैं, पर एक प्रॉब्लम है, उसके लिए मुझे दोनों हाथों का इस्तेमाल करना होगा। लगता है सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। क्या बात है! हाँ! 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 हाँ!
शुक्रिया दोस्तों। हार मत मानो बॉबी, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, ऐसा लगता तो है। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि इलाय वहां हमारे बिना गया है। ये बिल्कुल सही है जी, शैडो क्लारा इसे कैसे सोच सकता है कि सिर्फ इलाय ही इस काबिल है, है? महान प्रॉन्टो भी काबिल है। प्रॉन्टो, देखो मेरी बात। जरा एक मिनट, मुझे लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है जी, क्योंकि आपको नहीं पता कि मैंने ऐसे कई खेल खेले हैं। मशहूर है मेरा नाम, मैं बहुत ही बहादुर हूँ जी, मैंने ऐसे कई बार मुकाबले भी किए हैं। मुझे गड़बड़ लग रही है। वो तो है, अगर प्रॉन्टो थोड़ी देर और बोलता रहा तो वो उसे सजा देंगे। नहीं, वैसी बात नहीं है। तुमने वो देखा? वो ये कैसी बदबू है? ये बदबू तो फ्लैटुल और रिंक स्लग से भी ज्यादा बदबूदार है। यहाँ तो फिर कौन है? और इस सुरंग की बदबू से तो ऐसा लगता है जैसे सुरंग नहीं है। एक मिनट रुको, ये तो जरा एक मिनट रुको, अगर हम उसके मुंह से निकले तो इसका मतलब हम अंदर गए थे उसके। मैं दोबारा अंदर नहीं जाना चाहता। चिलर, बोपी को बचाने के बाद सबसे पहले तो हम नहाने जाएंगे। इलाई ने कहा था तुम्हें जासूसी करना नहीं आता सीसी, पर तुम तो उससे भी ज्यादा बुरे निकले। हाँ, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, अब तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें शैडो क्लैन सबक सिखाएंगे। मत करो, उन पर हमला बोलो। वो शैडो क्लैन पर हमला कर रहे हैं, ये सीसी अपने आप को समझता क्या है? जरा चुप रहो और इस सीन का मजा लो। ये क्या हुआ भैया? शैडो क्लैन भाग रहे हैं। क्या हुआ, तुम्हें मेरी काली रोशनी पसंद नहीं आई? कभी मत डरना, जब प्रॉन्टो है साथ तो डर की क्या है बात। यहाँ बहुत गर्मी है और मीठा। तुम फिर आ गए, भागो यहाँ से। ओहो, ये तो बहुत खतरनाक था। चलो अच्छा है, सिर्फ एक ही था और नहीं थे। भागो। बाल बाल बचे। डोजर, तुम ठीक तो हो ना? उन्हें सुला दो। बहुत अच्छे। तो ये है लाइटवेल, कमाल की है बॉबी, हम पहुंच गए। मैं भी पहुंच गया तुम्हारी वजह से। ब्लैक, तुम्हें लाइटवेल से क्या चाहिए? मैं बस इसे बर्बाद करना चाहता हूँ।
ब्लैक यहाँ पहुँचा कैसे? मैं बताता हूँ। सीसी ने जो ट्रैकर स्लग तुम पर मारा था उसी की मदद से मैं यहाँ पहुँचा। अब समझा। पर असली मदद तो तुमने ही की है इलाय। अगर तुम बहादुरी से सारी मुश्किलों का सामना नहीं करते तो शायद मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। तुम काफी बहादुर हो बच्चे। बोपी, बोपी नहीं। तुम उसे नहीं बचा पाओगे। शायद तुम गलत थे ब्लैक, मैंने उसे बचा लिया। मुबारक हो। तो हम लोगों पे भारी पड़ रहे हैं। अगर शैडो क्लैन और हम साथ मिलके काम करें तो हम जीत सकते हैं। हो गया, हम उनके लिए बेकार है बिना किसी काम के। इसका मतलब वो हमारा साथ देंगे। अगर लाइटवेल ना हो तो स्लग को भी ताकत नहीं मिलेगी और बिना स्लग्स के मेरे गुल्स राज करेंगे। गुड बाय लाइटवेल। बॉबी! ओह नहीं, मेरे स्लग्स खत्म हो गए। अब मेरे भी और मेरे भी। बढ़िया, उनके स्लग्स अब खत्म हो चुके हैं। जाओ और उन्हें पकड़ कर यहाँ लाओ। ओह नहीं, तुम जीत गए। एक मिनट, मैं तो मजाक कर रही थी। ये उनकी चाल है, वापस काली रोशनी की तरफ आओ। दूर हटो। मुझसे टकराओगे तो यही अंजाम होगा जी। ओ हमने कर दिया। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? शायद वो कह रहे हैं कि कोई और भी उस लाइटवेल के पास है। एक और शॉट से वो बर्बाद हो जाएंगी। पता है, मैं चाहता था कि तुम लाइटवेल को तबाह होते देखो, पर तुमने मेरा इरादा बदल दिया। ये क्या? मेरे गूल्स। बॉबी, ये क्या? नहीं, ये सब क्या हुआ? तुम इसे कहाँ ले गए? लाइटवेल की करीब आकर हमारी शक्ति कम हो जाती है। हम जहाँ चाहते थे वहाँ से नहीं भेज सके। मुझे लगता है कि गूंज की वजह से भी तुम्हारे बीमार हो गए। ब्लैक के गूल्स ने बॉबी को बीमार किया। जो शक्ति बाध्य रखती है वो कमजोर पड़ रही है। अगर गूल्स को खत्म नहीं किया गया तो बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। वैसे मेरा मकसद भी डॉक्टर ब्लैक को रोकने का ही है। शुक्रिया मदद करने के लिए। अभी शुक्रिया कहने का वक्त नहीं है। स्लगटेरा को बचाने की मुहिम तो अभी शुरू ही हुई है। क्या वो सब तुम्हारे सामने झुके? ईलाई, बर्पी कैसा है? तुम ही देख लो। कमाल हो गया।
मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ, पर तुमने जो भी किया उससे शैडो क्लैन खुश हुए। ये तो हो रहा ही था मियां, जब उन्हें पता चला कि प्रॉन्टो में बहुत काबिलियत है तो वो डर के भाग गए ना। अच्छा हुआ सब खत्म हुआ। अभी नहीं, बाकी के स्लग्स भी बर्पी की तरह बीमार हो जाएंगे अगर हमने ब्लैक को नहीं रोका तो। ये तो बस शुरुआत है।